केजरीवाल ने क्यों बदला अपना रुख, पूरा उसका टैक्टिक्स, उसका रणनीति ही बदल गया। एक दिन में उसने पूरी रणनीति बदल डाली। या कोर्ट का संकेत था, या ईडी की कार्रवाई, या दोनों। कोर्ट के एक लाइन और ईडी के एक्शन से केजरीवाल ने अपनी पूरी रणनीति बदल डाली। एक मिनट में पूरी रणनीति उलट पलट हो गया। मनीष सिसोदिया, विजय नायर, हाँ, दिनेश अरोड़ा, अब ये ऐसे फंस गए कि इन्होंने पूरी रणनीति बदल डाली और एक बड़े बैल के लिए तीन बलि का बकरा चुन लिया। तीन बलि का बकरा जाने दो, लेकिन एक बड़े बैल को बचाना है। यह क्या है मामला, देखिए केजरीवाल ने क्यों पूरे पलटी मारी, यू टर्न मारा और पूरा रणनीति ही एक दिन में बदल डाला। सिसोदिया की जमानत के लिए पत्नी की बीमार से दो अन्य मंत्रियों पर आरोप तक, देखिए घटना का क्या क्या क्रम है। पहले तो ये कहते थे सिसोदिया की जब जमानत होती थी कि बीवी बीमार है, बीवी बीमार है, बीवी बहुत ही बीमार है, ये एक ही रट लगाते थे कि बीवी बीमार है। लेकिन अब कोर्ट में इनके वकील ने क्या कहा, हालांकि वो सिसोदिया का वकील हैं, लेकिन अब बोलते तो वही हैं जो केजरीवाल उनसे कहता है, कि केजरीवाल के अंडर काम करते हैं, सिसोदिया के वकील हो सकते हैं, सिसोदिया के जमानत के लिए लड़ सकते हैं, लेकिन वकील वो केजरीवाल के हैं, केजरीवाल के निर्देश पर काम करते हैं। तो अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कहा, अभी तक तो कह रहे थे पत्नी बीमार है, बीबी बीमार है, लेकिन अब कह रहे हैं दो अन्य मंत्री, आतिशी मार लेना और सौरभ भारद्वाज का नाम ले लिया। अब ये पत्नी बीमार की नहीं, अब ये दूसरा मुद्दा आ गया। हुआ क्या, न्यायाधीश ने अंतिम लाभार्थी का मुद्दा उठाया। अंतिम लाभार्थी कौन है, आम आदमी पार्टी। इसके पहले क्या हो रहा था, किसने पैसा कलेक्ट किया, दिनेश अरोड़ा ने पैसा कलेक्ट किया, संजय सिंह ने पैसा कलेक्ट किया, ये तो पैसा कलेक्शन का मामला चल रहा था। अब हो गया कि अंतिम लाभार्थी कौन है, तब ये संजय सिंह और विजय नायर, ये तो पैसे, दिनेश अरोड़ा क्या करते हैं, पैसे की उगाही करते हैं, अंतिम लाभार्थी, अब ये गड़बड़ हो गया। विजय नायर ने दी दिनेश अरोड़ा के धमकी के खबरदार, किसी का नाम नहीं लेना, लेकिन फिर भी दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बन गए और पूरा संजय सिंह का काला चिट्ठा खोल दिया और ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार किया। लेकिन समस्या वही, पॉइंट गोल करके राउंड वही एक ही मुद्दे पर आती है, इन सभी ने वसूली तो की, दिनेश अरोड़ा ने वसूली की, उस पैसे को संजय सिंह तक पहुंचाया, लेकिन उसके बाद पैसा का क्या हुआ, पैसा का कलेक्शन तो किया गया, लेकिन इसके बाद पैसा का हुआ क्या, किसने प्राप्त किया, अंतिम लाभार्थी, अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है, किसके पास पैसा पहुंचा। कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने अब कहा, भाई ये जो है ये तो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को दोषी ठहरा रहे हैं, ये कहते भाई इन्हीं को जानता था, ये तो मनीष सिसोदिया को जानता ही नहीं था, ये सिर्फ आतिशी मरलेना और सौरभ भारद्वाज से इनका कांटेक्ट था, यानी आतिशी मरलेना और सौरभ भारद्वाज बलि का बकरा बन गए। इसलिए संजय सिंह भी जाने दो, वही भी बलि का बकरा है, इसने पैसे की उगाही की थी, जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है उसको बचाना है, जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी अंतिम लाभार्थी को बचाना है और अंतिम लाभार्थी के बारे में जो जानता है उसे बचाना है। ये कलेक्शन करने वाले हैं, ये उगाही करने वाले हैं, ये वसूली करने वाले हैं, इन्हें जेल में जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और सीबीआई ईडी ने भी फोकस खुद जरा, कितना करोड़ से कैसे में बदला, किस तरह से आया, ये नहीं कि कितना करोड़ आया, तो 2 करोड़ आया, 20 करोड़ आया, 200 करोड़ आया, वो कोई बात नहीं, लेकिन किस रास्ते से आया, कहाँ आया और कहाँ गया, चाहे वो 1 करोड़ हो या 1000 करोड़ हो, कहाँ से आया कहाँ से गया। अब सीबीआई ईडी का फोकस भी बदल गया, तो अब ये घबरा कर बीबी का बीमारी छोड़ दो, अरे बीबी का बीमारी बीबी नहीं है, अब क्या है, ये तो भाई इन्हें जानते भी नहीं थे, मनीष सिसोदिया विजय नायर को नहीं जानते थे, विजय नायर को कौन जानता था, दिनेश अरोड़ा को कौन जानता था, ये आतिशी मार लेना और सौरभ भारद्वाज यही जानते थे, ये मनीष सिसोदिया इसे जानता भी नहीं।
तो जो व्यक्ति अंतिम लाभार्थी के बारे में जानते होंगे वो हैं विजय नायर और मनीष सिसोदिया। ये दो ही व्यक्ति जानते हैं कि अंतिम लाभार्थी कौन है और किस तरह से पॉलिसी बनाया गया, कैसे पॉलिसी बनाया गया, कैसे लूटा गया, ये तो यही दो लोग जानते हैं। बाकी लोग संजय सिंह कितना करोड़ जानते हैं, लेकिन किस तरह से किया गया यह पूरा मामला तो यही दो लोग जानते हैं। आतिशी मारलेना जानती है कि कितना करोड़ कहां से आया, लेकिन एग्जैक्टली कैसे आया और कहां गया ये तो ये नहीं जानते। कौन जानता है? मनीष सिसोदिया और विजय नायर। अब इनको बचाना है, इसीलिए इनकी बलि चढ़ा दो, आतिशी मारलेना की बलि चढ़ा दो, संजय सिंह जहन्नुम में जाए, ये सौरभ भारद्वाज जेल में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब विजय नायर और मनीष सिसोदिया को प्रोटेक्शन देना है, क्योंकि यही जानते हैं कि पैसा अल्टीमेटली कहाँ गया और कैसे गया। ये कैसे वाला मामला, कितना करोड़ वाला मामला नहीं है, ये कैसे गया ये तो विजय नायर और मनीष सिसोदिया जानते हैं, इसलिए इनको बचाना जरूरी है। इसीलिए इन्होंने छोड़ दिया सबको, वो सत्येंद्र जैन भाई तुम मसाज कराते रहो जीवन भर, आतिशी मरलेना नई नई मंत्री हुए हैं तुम जाओ जेल में, कोई फर्क नहीं पड़ता। सौरभ भारद्वाज जहन्नुम में जाओ। संजय सिंह अरे ईडी उठा ले गई, वहीं ईडी में ही रहने दो। अब ईडी इसमें तो ईडी को डर भी लग रहा है। संजय सिंह ने कल कहा भाई ईडी में इस कैप्टिविटी में मुझे डर लग रहा है, मुझे बहुत डर है कि ये डर ईडी से नहीं, ये ईडी आम आदमी पार्टी के हेड से है। ये जो कह रहा है ना ईडी से डर लग रहा है, ये ईडी से डरा हुआ नहीं है, इसका डर लेकिन केजरीवाल से है, केजरीवाल से ये डर रहा है, ये ईडी से नहीं डर रहा है। ये जो नाटक कर रहा है, वैसे ये नाटक कंपनी का है, नाटक करता रहता है, लेकिन ये ईडी से नहीं डर रहा है, ये किससे डर रहा है? अरविंद केजरीवाल से डर रहा है। और अब ये सब गए, सत्येंद्र जैन गया, ये संजय सिंह गया, सौरभ भारद्वाज गया, आतिशी मरलेना, अब सिर्फ दो आदमी को बचाना है, विजय नायर और मनीष सिसोदिया, क्योंकि यही केजरीवाल के काल बन सकते हैं। इसलिए बाकी सबको बलि का बकरा बनाकर इन दोनों को विजय नायर और मनीष सिसोदिया को बचाना जरूरी है। इसीलिए उन्हें रातों रात स्ट्रैटेजी पलट दी। अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि तुम इन दोनों मंत्रियों का नाम ले लो और कहो कि इस सिसोदिया को ये जानते ही नहीं है, सिर्फ इन दोनों को जानते हैं। हम फिर मिलेंगे ऐसे और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।